दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन को एक पौधे से चार्ज कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले कुछ टाइम में काफी आर्टिकल्स पढ़े और कुछ रिसर्च करने की कोशिश की कि कैसे आने वाले टाइम में स्मार्टफोन बैटरीज में नया इवोल्यूशन होगा, नया इंप्रूवमेंट्स होंगे, और कैसे आने वाले टाइम में आप अपने फोन की बैटरी को बहुत ही जल्दी चार्ज कर पाएंगे, आपके फोन की बैटरी लाइफ कैसे काफी लंबे समय तक चल पाएगी। और ऐसे में एक आर्टिकल मेरे सामने आया जहां मैंने ये जाना कि आप अपने मोबाइल फोन को एक पौधे से चार्ज कर सकते हैं। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, मुझे लगा क्योंकि फेक आर्टिकल है या फिर कुछ ऐसे ही साइंस फिक्शन की बात हो रही है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने यही पढ़ा है कि पेड़ पौधे जो है वो उनको हवा देते हैं, अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, फल फूल भी देते हैं कई बार, लेकिन बिजली दे सकते हैं और उस बिजली से हमारे फोन को चार्ज कर सकते हैं। ऐसा मैंने पहली बार पढ़ा था, लेकिन जब मैंने उसके बारे में डिटेल स्टडी की तो मुझे मालूम हुआ कि वो नहीं तो कोई साइंस फिक्शन है, नहीं कोई फेक आर्टिकल है, वो एक जीता जागता प्रोडक्ट है। एक गमला है जिसमें एक पौधा लगा है और एक यूएसबी पोर्ट है, और उस यूएसबी पोर्ट की मदद से आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये क्या प्रोडक्ट है, कैसे मिलता है, कितने का मिलता है, कहाँ अवेलेबल है, कैसे इसकी टेक्नोलॉजी काम आती है, यही सब बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ये आपको अवेलेबल है इंडीगोगो नाम की एक क्राउड फंडिंग वेबसाइट पे। ये वो वेबसाइट है जहां पे बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं अपने नए नए आइडियाज को लेके क्राउड फंडिंग के लिए, और अगर उनको फंडिंग मिल जाती है तो वो प्रोडक्ट्स, वो आइडियाज रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो बैकर्स होते हैं या फिर वो मार्केट में रिलीज होने के बाद में एक आम पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट अवेलेबल है इंडीगोगो वेबसाइट पे। जो प्राइस है वो एक पीस के लिए है 9000 इंडियन रुपीज। अगर आप दो लेते हैं तो आपको पड़ जाएंगे 12000 इंडियन रुपीस के, और ऐसे ही 4, 6, 8 आप ज्यादा जब लेते जाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलता जाएगा। अब ये प्रोडक्ट क्या है, तो बेसिकली ये एक छोटा गमला है, एक पॉट है जिसमें आप अपना कोई भी मनपसंद पौधा लगा सकते हैं, और उस पौधे को लगाने के बाद में आपको बस उसमें पानी डालते रहना है जैसे कि आप नॉर्मल टाइम में डालते रहते हैं, और आप अपने फोन को जैसे चाहें जब चाहें चार्ज कर पाएंगे। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, आपको सबको पता है कि जो प्लांट्स हैं, जो बड़े पेड़ हैं, छोटे पौधे हैं, वो सभी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने लिए एनर्जी क्रिएट करते हैं या अपना खाना बनाते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस के बाद में वो काफी सारे बायोलॉजिकल एलिमेंट्स जो हैं वो नीचे जड़ों के जरिए एक्सक्रीट भी करते हैं, जिनके बारे में हमको शायद नहीं पता है या हमने नहीं पढ़ा है। और ये कंसेप्ट उसी के थ्रू काम करता है कि जो पॉट है उसमें नीचे की तरफ आपको चैम्बर दिया गया है, उस चैम्बर में एनोड है, कैथोड है, काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, काफी सारे एक्टिव बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल नैनोवायर्स हैं। तो ऐसे में जब पौधा अपनी नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू फोटोसिंथेसिस के बाद में उन बायोमोलिक्यूल्स को, उन बायो एलिमेंट्स को एक्सक्रीट करता है, तो ये उनको अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने के बाद में एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं और इवन H2O यानी कि पानी भी जनरेट होता है, क्योंकि नीचे से ऑक्सीजन आती है, ऊपर से हाइड्रोजन उनको मिल जाती है, तो उसके बाद में H2O जनरेट होता है जिससे कि पौधे में पानी की कमी भी महसूस नहीं होती और आपको बहुत ही कम पानी का यूज करना पड़ता है। और वो जब आप इलेक्ट्रॉन जनरेट कर लेते हैं तो नैनो वायर्स के थ्रू वो कैथोड और एनोड के बीच में पूरा अपना ब्रिज बना लेते हैं, और इस ब्रिज के थ्रू नीचे उन्होंने एक थोड़ा छोटा सर्किट दिया है, और उसके बाद में ऊपर की तरफ एक यूएसबी पोर्ट आपको निकाल के दिया है, और उस यूएसबी पोर्ट में आपको मिल जाता है 5 वोल्ट 1 एम्पियर का आउटपुट, जो कि एक नॉर्मल जो अपना लैपटॉप चार्जर आप मान लीजिए या उससे थोड़ा सा एक हाई पावर चार्जर मान लीजिए उसके बराबर होता है, और उसकी मदद से आप अपने फोन में बस उस यूएसबी पोर्ट के थ्रू केबल कनेक्ट कीजिए और अपने फोन को चार्ज कर पाएंगे। अब दोस्तों, ये जो है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बार बार इसकी कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो कंसेप्ट है जिस पे काम करता है वो समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है। पौधा जब तक जिंदा है, जब तक आपका जो काम है वो बनता रहेगा, और ये टेक्नोलॉजी किसी भी तरीके से उस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप अपना मनपसंद जो चाहे वो प्लांट लगा सकते हैं, अपने आप बेड के साइड टेबल पर रख सकते हैं, आप अपने बाहर लॉन में इसको रख सकते हैं, और बस अपना फोन आप केबल से कनेक्ट कीजिए और चार्ज करना शुरू कर दीजिए। ये हमेशा अवेलेबल होगा और दिन में आप इससे अपना फोन कम से कम 3 से 4 बार चार्ज कर पाएंगे। तो काफी यूनिक कंसेप्ट है दोस्तों, और ये आप सोच के देखिए कि ये तो भी इनिशियल है। मैं आपको इसका जो लिंक है मुझे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाकर इसके बारे में और चेक कर सकते हैं। तो ये तो एक इनिशियल शुरुआत है, आप इसको एक बड़े स्केल पे इमेजिन कीजिए कि छोटा पौधा अगर इतना बड़ा काम कर सकता है, तो अगर हम बड़े पेड़ों के नीचे ऐसे डिवाइस लगा दें तो उनसे हम कितनी एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। बड़े बड़े जो सिटी में पार्क्स होते हैं, अगर वहां पे हम ये टेक्नोलॉजी को यूज करें तो कितनी जगहों पे हम बिजली पहुंचा सकते हैं, या इवन आपके घर में अगर बड़ा गार्डन है, अगर बहुत सारे आपके पास में पौधे हैं, तो आप अगर सबका कंबाइंड आप आउटपुट देखेंगे तो कितना ज्यादा वो बन जाएगा। और इसी कंपनी ने जो प्रोडक्ट का नाम है, जो गमला है उसका नाम तो है बायोलाइट, और एक और प्रोडक्ट है वो अभी अगले टाइम में आने वाला है, इसका नाम है बायोप्लेट।
ये बेसिकली एक 1 मीटर बाय 1 मीटर की एक चौड़ी एक प्लेट है, उसमें बेसिकली आप कुछ भी ऊपर पौधे या घास वास उगा सकते हैं, ज्यादा हाइट नहीं है, 25 सेंटीमीटर की हाइट है, और उसमें पूरी बड़ी प्लेट में यही कंसेप्ट काम में लिया गया है, और उसका जो आउटपुट है ईयरली आउटपुट जो है वो 28 से लेके 280 किलोवाट आवर के बीच में हो सकता है, यानी करीब करीब 250 से 280 यूनिट्स आप उस पौधे के जरिए सिर्फ उसे एक बायो प्लेट के जरिए निकाल सकते हैं। 280 यूनिट का मतलब दोस्तों बहुत ज्यादा होता है। अगर आप एक 10 वॉट के CFL बल्ब की बात करें तो वो जब 100 घंटे चलेगा तब जाके एक यूनिट पूरी होती है, तो 280 यूनिट या 250 यूनिट का मतलब 2500 घंटे आप उस बल्ब को चला सकते हैं बिना किसी बिजली के, बिना किसी सोलर पैनल के, बस आप उस पौधे को जीवित रखिए और अपना काम कर पाएंगे। तो काफी यूनिक कंसेप्ट है ये, एक नया हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हम हमारे पौधों को बचाएं, हमारे जितना नेचर को कंजर्व हो सकता है उतना हम उनको कंजर्व करें, जिससे की मदद से हम हरियाली तो फैला ही रहे हैं, अच्छी ऑक्सीजन तो हम ले ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे फोन्स को, या फोन्स नहीं, आप चाहे उससे एक बल्ब लगा लीजिए, आप चाहे कोई भी गैजेट लगा लीजिए, और आप बड़े आराम से एनर्जी हार्वेस्टिंग के थ्रू उसको यूज कर पाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए लाइक और शेयर करने के साथ इस वीडियो को, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग अलग टेक न्यूज वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।